शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक 60 वर्षीय बुजुर्ग सड़क ककरई मार्ग पर बने रपटे को पार करते समय बह गया था, जिसका शव रात 12 बजे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बैराड़ पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सड़ गांव का रहने वाला 60 वर्षीय बुजुर्ग जगन्नाथ पुत्र रत्नलाल आदिवासी रविवार की रात 8 बजे जंगल से अपने गाँव सड़ लौट रहा था। इस दौरान सड़ ककरई सड़क के बीच बने रपटे को पार कर रहा था। रपटे के ऊपर से 1 से 1.5 फीट पानी बह रहा था। इस दौरान जगन्नाथ आदिवासी बह गया था। बताया गया है कि बुजुर्ग को नाले में बहता हुआ सड़ गांव के रहने वाले सोनू नाम के युवक ने देख लिया था। सूचना मिलते ही बैराड़ तहसीलदार ग्रगपाल वैश्य और बैराड़ थाना प्रभारी विनय यादव ने दल के साथ मोर्चा संभाला था। रात में ही बुजुर्ग तलाश शुरू कर दी थी। करीब 4 घंटे की तलाशी के बाद बुजुर्ग का शव 100 मीटर दूर नाले में मिल गया था। बताया गया है कि बुजुर्ग जगन्नाथ सिंह को आंखों में कम दिखाई दे रहा था। रपटे के ऊपर पानी बहने से वह अंधेरे में रपटा पार करते वक्त सही रास्ता नहीं भाप पाया, जिससे वह रपटे से अनियंत्रित होकर गिर गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।